मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की श्री रेवा गुर्जर बाल निकेतन महाविद्यालय सनावद में एनएसएस के तत्वाधान में राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया गया। भूतपूर्व सांसद एवं विधायक अध्यक्ष ताराचंद पटेल, मुख्य अतिथि आर के सोलंकी, महाप्रबंधक सिविल ओंकारेश्वर पावर स्टेशन, विशेष अतिथि डॉक्टर प्रकाश गढ़वाल, राष्ट्रीय सेवा योजना देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मौजूद रहे, जिसमें लायंस क्लब का सहयोग रहा। साथ ही लायंस क्लब एवं अतिथियों द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन किया गया, जिसमें जिला चिकित्सालय खरगोन की मेडिकल टीम द्वारा ब्लड इकट्ठा करके खरगोन पहुंचाया गया। राष्ट्रीय सेवा अधिकारी अमित बड़ेकर ने बताया कि हमारे पास 400 पंजीयन हुए हैं। सनाव से प्रभुदो गायक की रिपोर्ट। नमस्कार जी, किस उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया गया? आज राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस का 50वां वर्ष है। इस उपलक्ष्य में श्री रेवा गुजर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सफल आयोजन में क्या क्या प्रयत्न किया गया? इस शिविर को सर संपन्न बनाने के लिए और मेगा ब्लड डोनेशन कैंप बनाने के लिए कम से कम 15 से 16 गांव में गांव-गांव पर रात्रि में जाकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया और लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें अंधविश्वास से जुड़े तथ्यों को नकारा गया और रक्तदान के फायदे और पहलू बताए गए। आपके क्या क्या उद्देश्य हैं? हमारा उद्देश्य एक ही है कि जब भी रक्त की जरूरत पड़े तो जो रक्तदाता है वो इन अंधविश्वास से परे हटकर रक्तदान करने के लिए जागरूक रहे और हमेशा तत्पर तैयार रहे, क्योंकि यह एक ईश्वर की कृपा है, क्योंकि कोई भी देश अभी तक कृत्रिम रक्त बनाने में सक्षम नहीं हुआ है। कितने यूनिट हुआ रक्तदान? सर यदि बात करें तो हमारे पास 400 पंजीयन हुए हैं, जिसमें से 222 यूनिट रक्तदान खरगोन द्वारा रेडक्रॉस यूनिट द्वारा कराया गया और इसमें एक भी महाविद्यालय छात्र ने रक्तदान नहीं किया और आगामी इस रक्तदान को कंटिन्यू रखा जाएगा और एक विशाल रक्तदान शिविर में संपन्न कराया जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन